नमस्कार, स्वागत है आपका सी न्यूज भारत में। मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। वक्त हो चुका है टॉप 20 न्यूज का, तो आइए नगर डालते हैं आज की और इस वक्त की 20 बड़ी खबरों पे। महाराष्ट्र चुनाव, कराड में आज महायुति प्रत्याशी के लिए प्रचार करेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। शरद पवार का बयान, मैं चुनाव से दूर रहूंगा लेकिन राजनीति से नहीं। एएमयू का अल्पसंख्यक दर्जा नए सिरे से होगा तय, 3 जजों की नई बेंच करेगी तय। दूसरे राज्य और महाराष्ट्र की तुलना ना करें, बटेंगे तो कटेंगे, बयान पर बोले अजीत पवार। धुले में बोले पीएम मोदी, महागाड़ी की गाड़ी में ना पहिए हैं ना ब्रेक है। महाराष्ट्र की जनता ने विधानसभा चुनाव में एनडीए की विजय का शंखनाद कर दिया है, बोले पीएम मोदी। मेरठ में गौ तस्करों से पुलिस की मुठभेड़, 2 दिन पहले खेतों में किया था गौवध, 1 के पैर में लगी गोली, 3 गिरफ्तार। सीजीआई चंद्रचूड का एआई वकील से सवाल जवाब, पूछा क्या भारत में मौत की सजा संवैधानिक है, वकील बोला हाँ लेकिन सिर्फ जघन्य अपराधों में। जोधपुर के अनीता हत्याकांड का मुख्य आरोपी मुंबई में छुपा था, मर्डर के 8 दिन बाद गिरफ्तार, 4 दिन से बदल रहा था लोकेशन। सलमान रुश्दी की विवादित किताब के इम्पोर्ट से बैन हटा, दिल्ली हाईकोर्ट बोला नोटिफिकेशन गायब हो चुका, राजीव गांधी ने 1988 में प्रतिबंध लगाया था। कनाडा चुनाव पर मस्क की भविष्यवाणी, जस्टिन ट्रूडो हारेंगे, जर्मनी की सरकार गिरने पर कहा, वहां के चांसलर हैं मूर्ख। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने भारत को बताया महान देश, बोले इसे वैश्विक महाशक्ति कहा जाना चाहिए। सलमान खान को लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने फिर दी धमकी, मैं सिकंदर हूँ गाने के गीतकार को भी धमकाया। यूपी में पुरुष टेलर नहीं ले सकेंगे महिलाओं के कपड़ों का माप, सभी जिलों को भेजे गए आदेश। मुंबई पुलिस ने बरामद किया 2,30,00,000 रुपए कैश, 12 लोग हिरासत में। ट्रंप की चुनावी जीत के बाद बाइडेन बोले सत्ता का शांतिपूर्ण हस्तांतरण होगा। टीवी एक्टर नितिन चौहान का 35 साल की उम्र में निधन। राजस्थान में फर्जी पुलिस वालों की गैंग, निशाने पर बड़े लोग, किसी को रेपिस्ट तो किसी को आतंकवादी बताकर लूटे करोड़ों रुपए। छेड़छाड़ में आरोपी का पीड़िता से समझौता कोर्ट में अस्वीकार्य, सुप्रीम कोर्ट के जज बोले फटी जैकेट ठीक हो सकती है, बच्चे का टूटा हुआ दिल नहीं। मोदी धुले में बोले एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, कांग्रेस पहले धर्म के नाम पर लड़ाती थी अब जातियों के नाम पर लड़ा रही। फिलहाल के लिए टॉप 20 न्यूज में बस इतना ही, देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।